क्या आप मेरे तरह हो जो महाराष्ट्र में रहता हो और जिसका इस साल 12th हो? HSC का एग्ज़ाम ऐसा होता है कि बच्चे पागल हो जाते देते देते। तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको महाराष्ट्र की नई अनाउंसमेंट सुनाऊंगा और महाराष्ट्र बोर्ड ने बच्चों के लिए क्या किया है। आपको पता ही होगा जैसे नया पेपर पैटर्न आपको जो है 11th में, आपने अगर मेरे बैच के हो तो आपने 11th में नया पेपर पैटर्न दिया होगा, उसका एग्ज़ाम भी दिया होगा, लेकिन उससे बच्चों का कन्फ्यूजन जो है वो दूर बिल्कुल नहीं हुआ है। मुझे भी काफ़ी कन्फ्यूजन था, पर मुझे ये न्यूज़ मिलने के बाद जो है बहुत ही आराम मिला क्योंकि सारा कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो चुका। तो अभी भी बच्चों को, काफ़ी सारे बच्चों को इस बारे में पता नहीं है कि ये न्यूज़ कब आई, कब गई और क्या क्या महाराष्ट्र बोर्ड ने क्या क्या अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया है, ये सारी डिटेल्स। तो इसी वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊँगा। और दोस्तों, एक भी आप ये वीडियो बिल्कुल ही स्किप मत कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और सारा पॉइंट जो है मैं बताऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। जैसे कि मैंने कहा था, आपने 11th स्टैंडर्ड में ये पेपर पैटर्न अटेम्प्ट कर चुके हो और इस बार भी आप ये पेपर पैटर्न अटेम्प्ट करने वाले हो, लेकिन पेपर पैटर्न अटेम्प्ट करने से उसकी कन्फ्यूजन जो है वो दूर नहीं हुई बच्चों में। मैंने काफ़ी देखा है अपने कॉलेजेस में भी। तो बच्चों को, महाराष्ट्र बोर्ड को भी ये पता है कि बच्चों में बहुत ही, स्टूडेंट्स में बहुत ही कन्फ्यूजन है इस पेपर पैटर्न को लेकर, नए पेपर पैटर्न को लेकर। तो महाराष्ट्र बोर्ड ने क्या किया है, महाराष्ट्र बोर्ड ने एक बहुत ही एक्सपर्ट, स्टेट्स के जितने भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं उनको इकट्ठा किया है, कलेक्ट किया है और एक क्वेश्चन बैंक बनाया है जो बच्चों को बहुत ही मदद करने वाला है। मेरी यकीन कीजिए कि ये जो क्वेश्चन बैंक है वो किसी वेबसाइट से नहीं आया है या फिर कोई इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया है, ये ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक है जो महाराष्ट्र बोर्ड ने दिया है। तो आपको अभी एक न्यूज़पेपर आएगा आपकी स्क्रीन पर, तो उसमें भी छप चुका है कि जो ये क्वेश्चन बैंक है वो जो स्टेट के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने तैयार किया है और इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए वो मे और मे नॉट बी कम इन बोर्ड एग्ज़ाम्स तो इन 2019। तो ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है या नहीं भी आ सकता है, लेकिन मैं आपको अभी एक एक करके पॉइंट्स बताऊंगा कि ये क्वेश्चन से आपको क्या फ़ायदा होगा और ये क्वेश्चन पढ़ने से ये क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंस है बोर्ड एग्ज़ाम में उसके बारे में बताऊंगा। तो गौर से सुनिए मेरे पॉइंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट है कि उसके जो क्वेश्चन मार्किंग स्कीम है उससे लेकर, तो काफ़ी बच्चों को पता है कि टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्वेश्चंस दिए होते हैं बच्चे वो रट्टा या पढ़कर जाते हैं, तो वहाँ पर जब एग्ज़ाम लिखने बैठते तो उनका जो क्वेश्चन से वो अलग आ जाते हैं। जैसे एक मार्क का क्वेश्चन हो, जैसे मैं पूछ लूँ डिफाइन जो डेफिनेशन होता है हेरिडिटी या सारी जो डेफिनेशन होता है जो भी चीज़ों का, जो भी पॉइंट दिया रहता है टेक्स्ट बुक में, बच्चे टेक्स्ट बुक रीड नहीं करते, बच्चे पीछे के एक्सरसाइज जाते हैं, वो रट्टा मारते हैं और जाके एग्ज़ाम देने से चले आते हैं। तो अगर पूछ लेता है कि अंदर टेक्स्ट बुक के अंदर का कोई एकदम अंदर की चीज़ पूछ लेता है तो बच्चे बोलते हैं नहीं आया, लिख के तो आते नहीं है और ब्लेम करते हैं कि बाहर से क्वेश्चन आ गया, लेकिन वो बाहर से नहीं होता। याद रखिए, जो भी क्वेश्चन आता है टेक्स्ट बुक में से ही आता है। अगर आपका टेक्स्ट बुक पूरा अच्छे से हो चुका है पढ़ के तो आप बोर्ड में बहुत अच्छा आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि एक मार्क का क्वेश्चन हो गया या दो मार्क का क्वेश्चन हो गया जो टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में नहीं दिया होता है लेकिन टेक्स्ट बुक में रहता है, वैसे क्वेश्चंस उस क्वेश्चन बैंक में अवेलेबल है, आपको इंक्लूड करके दिया गया है। और काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने देखे जो टेक्स्ट बुक के पीछे एक्सरसाइज होती है उसमें नहीं दिया गया है, पर आपको जो क्वेश्चन बैंक पे वो क्वेश्चन अवेलेबल है और आप डाइजेस्ट या जो भी रिफ़र करते हैं उससे आप वो क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और दूसरा पॉइंट है कि जो टोटल वेटेज है क्वेश्चन बैंक का, जैसे मैं एक कोई भी लेसन ले लूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और 12th में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम उसका आता है, 12th बहुत ही इंपॉर्टेंट, इतना याद रखिए आप। तो उस लेसन, उस चैप्टर में टेक्स्ट बुक के पीछे क्वेश्चन दिए है वो होगा, लेकिन आपको जो क्वेश्चन बैंक में अवेलेबल हो गए क्वेश्चन, 1 मार्क का आपको एक टाइटल दिया होगा, 1 मार्क नीचे सारे क्वेश्चंस, 2 मार्क उसके नीचे सारे क्वेश्चन, 3 ऐसे 5 मार्क तक के आपके क्वेश्चन जो है वो गए। तो आप खुद ही समझ जाएंगे, अगर आप क्वेश्चन बैंक खोल कर बैठेंगे पढ़ने तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि सारे क्वेश्चन जो है वो 90-95% जो है इंक्लूड किया गया है टेक्स्ट बुक से ही। मतलब आप अब टेक्स्ट बुक नहीं, मतलब क्वेश्चन बैंक सिर्फ करके जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, तभी भी आपका जो चैप्टर है 90-95% आपका कंप्लीट होगा। तो आप
ये एक चीज़ बहुत ही अच्छी है और ये दो पॉइंट है जिसे लेकर आप, और तीसरा पॉइंट है कि ये एक्सपर्ट्स ने तैयार किया है और इसके चांसेस है बोर्ड एग्ज़ाम में आने के, और बहुत ही चांसेस है आने के। तो आप एक क्वेश्चन बैंक रिफ़र कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या डाउट है इस क्वेश्चन बैंक को लेकर। जनरली मैं इस टॉपिक पर वीडियोस तो नहीं बनाता हूँ, तो मैं टेक्निकल वीडियोस बनाता हूँ और जो जैसे आप देखें मेरे चैनल पे वीडियोस, मैं उस टाइप के बनाता हूँ। पर ए फ्यू मोमेंट्स लेटर तो दोस्तों मैंने सोचा था कि मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँगा थोड़े दिन के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स था। और एक बात है, क्योंकि मैं मुझे जैसे ही न्यूज़ पता चली तो मैंने सोचा कि इस न्यूज़ से मेरा भी भला होगा, इस PDF से, इस क्वेश्चन बैंक से मेरा भी भला होगा, तो मैं दूसरों बच्चों का भी जो है भला कर दूंगा। तो मैंने पहले सबसे पहले जाकर YouTube पर देखा कि इस टॉपिक पर किसने वीडियो डाला है कि नहीं, किसने अपलोड किया है कि नहीं। तो मैंने देखा, बहुत सर्च किया, तो मुझे एक भी ऐसा वीडियो नहीं मिला जो इस टॉपिक पर बना होगा। तो मैंने फिर सोचा कि मैं ही क्यों ना बना दूँ इस वीडियो, इस टॉपिक पर वीडियो, क्योंकि बच्चों को अभी पता नहीं है, ज़्यादातर बच्चों को तो पता ही नहीं अभी तक कि ये टॉपिक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या अनाउंसमेंट किया है। तो ये बिल्कुल रियल है और आप अपने क्वेश्चन बैंक जो है वो रिफ़र कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा बच्चे को पता नहीं है। तो आप ये वीडियो शेयर कीजिए और उन लोग को भी नॉलेज दीजिए इस चीज़ के बारे में कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या बच्चों के लिए किया है। तो जितना हो सके अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप शेयर कीजिए, आप जितने भी ग्रुप्स हैं आपके पास, इंस्टाग्राम हो, जो भी हो, उस पर आप प्लीज़ ये वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। और सब्सक्राइब तो मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो सब्सक्राइब करना ना भूले। और आपको पता ही होगा सब्सक्राइब कैसे करते हैं। तो देखते रहिए टेकी टेक चैनल, और फिर से सॉरी कहता हूँ कि मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा और शायद आगे भी नहीं डाल पाऊँगा थोड़े दिन तक। तो आप प्लीज़ बने रहिए इस चैनल के साथ, और जैसे ही मेरा 12 जो है फिनिश हो जाएगा तो मैं आपको डेली वीडियो जो है वो इसी चैनल पर मिल जाएगी। और एक चीज़ है कि मैं इसमें बिल्कुल झूठ नहीं बोलता इस चैनल पर, और इसमें ट्रुथ चैनल भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सच्चाई है इस चैनल में। और आपको जितने भी रूमर्स होते हैं वो होते हैं, मैं खुद से बनाकर कुछ नहीं बताता हूँ, मैं सिर्फ जो है जो चीज़ें मुझे पता होगी, जो वो झूठ हो या सच हो वो मुझे पता नहीं होती, लेकिन मुझे पता, मैं उसे सच मानता हूँ, वही आपको बताता हूँ। तो आप इस चैनल को ट्रस्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और देखते रहिए टेक चैनल। मैं नावेद, तो वी विल मीट सून, फिर से मिलेंगे।